हेलो गाइस, आज हमारी स्टेबल डिफ्यूजन की 5th क्लास है। इसमें आप सीखोगे कि आप स्टेबल डिफ्यूजन के लिए मॉडल्स कैसे डाउनलोड करोगे और इनको इंस्टॉल कैसे करोगे। तो ये बहुत इजी ट्यूटोरियल है, आपने एंड तक लाजमी देखना है। और मैंने स्टेबल डिफ्यूजन और डिफॉर्म की इंस्टॉलेशन और AI एनिमेशन वीडियो कैसे बनाई जाती है इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो आपने फर्स्ट वेबसाइट huggingface.co पे आना है। बेसिकली ये वेबसाइट मॉडल्स डाउनलोड करने के लिए, तो मैं जो टाइप करता हूँ protogen, तो इधर डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर लोगे और उसके फाइल्स एंड वर्जन में जाओगे। इधर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, .ckpt एंड .safetensor। तो इसमें से सेफ टेंसर्स को आपने प्रेफर करना है क्योंकि ये वायरस फ्री होती है और इसमें वायरस हो सकता है, तो आप इधर से इसको डाउनलोड कर लोगे। तो हमारी सेकेंड वेबसाइट है cvetai.com, तो ये भी बेसिकली मॉडल्स डाउनलोड करने के लिए है। तो इधर आप जैसे ही आओगे और इधर टाइप करोगे protogen, तो आपके सामने ये आ रहा है मॉडल, आप इसे सेलेक्ट कर लोगे। तो इधर आपको ये डिफरेंट किस्म के सैंपल्स दिखा रहा है कि हमारी इमेजेस कैसे क्रिएट होंगी। इधर दूसरे मॉडल भी आपको ये शो करवा रहा है, तो इधर आप देख सकते हो। तो अभी आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करेंगे, आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इधर भी आपको दो फाइल्स मिलेंगी, एक सेफ टेंसर और दूसरी पिकल टेंसर। जो पिकल वाली फाइल होगी वो वायरस वाली होगी और ये 100% श्योरिटी नहीं है कि इसमें वायरस है भी या नहीं भी, लेकिन जो सेफ टेंसर वाली फाइल है ये 100% श्योर है कि इसमें वायरस नहीं होता, तो आप इसको इधर से डाउनलोड कर लोगे। मैंने इधर दो मॉडल्स डाउनलोड कर लिए हैं, एक है RPG और दूसरा है protogen enemy। तो आप इन दोनों मॉडल्स को इधर से कॉपी करोगे, तो जहाँ पर आपने स्टेबल डिफ्यूजन इंस्टॉल किया हुआ आप उसके वेब UI फोल्डर में जाओगे। उसके बाद आप जाओगे मॉडल्स में और उसके बाद आपके पास स्टेबल डिफ्यूजन का फोल्डर आ जाएगा। अब इसे ओपन करोगे तो आप देख सकते हो मेरे पास और भी इधर मॉडल्स हैं, तो इधर आके हम इन मॉडल्स को भी पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, दो मॉडल्स जो हमने पेस्ट किए हैं वो एक RPG और दूसरा protogen है। तो अभी आपने बैक साइड जाना है मेन फोल्डर में, तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको फाइल नज़र आ रही होगी webuser.bat, आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, इसने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए, इन अ फ्यू मिनट इसने हमें एक URL दे दिया, आप इसको कॉपी कर लोगे Ctrl+C से। तो आपने क्रोम के वेब ब्राउज़र में आना है और इधर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसे एंटर हिट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास स्टेबल डिफ्यूजन ओपन हो चुका है। तो इधर से हम जाएंगे मॉडल्स में, तो इधर आप देख सकते हो हमारे पास protogen का मॉडल भी आ चुका है और RPG का मॉडल भी आ चुका है। तो मॉडल सेलेक्ट करने के बाद इधर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और इसे जनरेट पे क्लिक करके आप कोई भी इमेजेस इधर से अपनी मर्जी के मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।